हेलो बच्चों, हम 12th क्लास का इकोनॉमिक्स का 5th लेसन कर रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज हम इसके दो छोटे छोटे टॉपिक्स करेंगे। फर्स्ट है इलास्टिक एंड इनइलास्टिक डिमांड, यानी कि लोचदार तथा बेलोचदार मांग। तो इलास्टिक क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो कि कम ज़्यादा हो सकती है। हम खींच दिया तो बड़ी हो गई, छोड़ दिया तो छोटी हो गई। मतलब जब मांग में कमी या वृद्धि होती है, और इनइलास्टिक या बेलोचदार मांग जिसमें कीमतों में परिवर्तन होने से मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हमारी डिमांड इलास्टिक कब होती है, लोचदार कब होती है, जब हमारी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन होती है। अगर हमने इससे पहले के वीडियो में मांग की लोच की कोटियां की थी, यानी कि डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी, तो उसमें हमने की थी इकाई लोचदार, इकाई से अधिक लोचदार। तो अगर हमारी डिमांड यूनिटरी से अधिक है, इकाई से अधिक है, तो वो क्या होगी, इलास्टिक डिमांड, इफ इट इज ग्रेटर देन वन। और अगर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन वन है, एक से कम है, तो उसके बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड, यानी कि बेलोचदार मांग। लोचदार मतलब ग्रेटर देन वन, और बेलोचदार मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन, एक से कम, इकाई से कम। उसके बाद है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ ए कर्व, ए स्पेशल केस, एक विशेष केस है, एक स्पेशल केस है, जिसमें हमारे मांग वक्र या डिमांड कर्व के हरेक पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी है वो क्या होती है, वन, यानी कि यूनिटी। वो कब होता है, ये केस जिसमें हमारा डिमांड कर्व एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, जैसे कि ये डिमांड कर्व है, ये इस शेप में होता है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे जितने भी पॉइंट्स हैं, ए बी सी या कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लें, सभी पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, वन होगी, इकाई लोचदार मांग होगी। क्यों, क्योंकि जो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से हम कोई भी पॉइंट लेंगे, उससे नीचे जितनी भी ये रेक्टेंगल्स बनेंगी, सभी रेक्टेंगल्स का एरिया या सभी आयतों का क्षेत्रफल समान होगा। यानी कि ये वाली रेक्टेंगल आयत और ये वाली आयत, दोनों का क्षेत्रफल समान होगा, एरिया इक्वल होगा। इसीलिए रेक्टेंगुलर हाइपर, अगर हमारा डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप में है, तो उस टाइम पे क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हरेक पॉइंट पे यूनिटी होगी, वन। ठीक है, तो ये थे इलास्टिक जब एक से ज्यादा होगी, और इन इलास्टिक जब एक से कम होगी। और अगर हमारा डिमांड का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो उसमें हम कोई भी पॉइंट लेंगे, तो उस पर हमारी जो लोच है, इलास्टिसिटी है, वो इकाई लोच होगी, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, वन। उम्मीद है आपको ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।